हुए नकली चाय बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। इस छापा मार कार्रवाई में पुलिस ने करीब 4 क्विंटल नकली चाय बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने गोदाम से बड़ी मात्रा में नकली चाय बनाने का सामान, पैकिंग की पन्नियां, खुली चाय और कार्टून भी बरामद किए। छतरपुर में लंबे समय से नकली चाय बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। हिंदुस्तान लीवर कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। हिंदुस्तान लीवर कंपनी के मैनेजर सुभाष शर्मा ने कहा कि इस फैक्ट्री में कंपनी के ताजा ब्रांड के नाम से नकली चाय बनाई जा रही थी और इस गोरख धंधा को पवन अग्रवाल नाम का व्यापारी संचालित कर रहा था। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। वहीं इस मामले को लेकर TI अरविंद सिंह दांगी ने कहा कि पुलिस ने लगभग 4 क्विंटल नकली चाय फैक्ट्री सहित बरामद की है। मामले में पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी है। आगे जांच के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खुली चाय पत्ती को ताज़ा दुर्गुण के नाम से लेबल लगाकर उसको पैक करके बेचा जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने दबिश दी है और परिसर से करीब 350 किलो चाय पत्ती, खुली चाय पत्ती बोरी में मिली हुई है। करीब 50 किलो के लगभग पाउच मिले हैं, ताज़ा लेबल लगा हुआ है। कुछ रोल मिले हैं जिनको पुलिस ने जब्त किया है। उन्हें पंजीबद्ध करके पुलिस विवेचना कर रही है कि ये कहाँ से आ रहे थे और कौन इसको संचालित कर रहा था। काफ़ी टाइम से खबर आ रही थी कि यहाँ पे नकली ताज़ा चाय बन रही है। काफ़ी टाइम से पता चल रहा था। फिर हमने यहाँ से एक या दो लोकल बंदे थे के जरिए से हमने पता लगाया। जब हमें पूरे तरीके से पता चल गया तब हमने कार्रवाई की। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।